दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ PSL 2020 के सातवें मुकाबले के बारे में, जो कि होने वाला है मुल्तान सुल्तान और पेशावर जालमी के बीच में। तो ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक तरीके से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पिछले मुकाबले में मुल्तान सुल्तान की टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो इस मैच को जीतना जरूर चाहेगी। दोस्तों, पेशावर जालमी की टीम की बात की जाए तो पेशावर जालमी की टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन क्वेटा ग्लेडिएटर्स को अपने पिछले मुकाबले में हरा कर फॉर्म में आने का संकेत दे दिया है। तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों, पेशावर जालमी को हराने के लिए मुल्तान सुल्तान की टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये मुकाबला बुधवार को 26 फरवरी भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में खेला जाएगा। ये दोस्तों समय को ना जाया करते हुए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 किस प्रकार होने वाली है और दोनों ही टीमों में क्या क्या बदलाव करे जा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस का और आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियोस का। दोस्तों, मुल्तान सुल्तान की टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो हमें एक बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, जो की मोहम्मद इरफान को लेके है। मोहम्मद इरफान अपने पिछले मैच में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, तो इसलिए मुल्तान सुल्तान का टीम मैनेजमेंट उनके जगह जुनेद खान को मौका दे सकता है, जो की एक प्रतिभाशाली लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। इस मुकाबले में पेशावर जालमी के विरुद्ध मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। नंबर एक पर कप्तान शाह मसूद, नंबर दो पर जेम्स विंस, नंबर तीन पर मोइन अली, नंबर चार पर राइली रूसो, नंबर पांच पर विकेटकीपर बैट्समैन जीशान अशरफ, नंबर छह पर कुशदिल शाह, नंबर सात पर शाहिद अफरीदी, नंबर आठ पर सोहेल तनवीर, नंबर नौ पर मोहम्मद इलियास, नंबर दस पर इमरान ताहिर और नंबर ग्यारह पर जुनेद खान। तो पेशावर जालमी की टीम की बात की जाए तो ये टीम अच्छे लय में दिखाई दे रही है और इसके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस टीम में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। पेशावर जालमी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। नंबर एक पर टॉम बेंटन, नंबर दो पर कामरान अकमल विकेटकीपर बैट्समैन, नंबर तीन पर हैदर अली, नंबर चार पर शोएब मलिक, नंबर पांच पर लियम लिविंगस्टोन, छह पर लियम डॉसन, नंबर सात पर डेरन सेमी कप्तान, नंबर आठ पर वहाब रियाज, नंबर नौ पर हसन अली, नंबर दस पर मोहम्मद आमिर खान, नंबर ग्यारह पर राहत अली। दोस्तों, ये थी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और उनमें होने वाले बदलाव। आइए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स इस मुकाबले में कौन कौन हो सकते हैं। दोस्तों, मुल्तान सुल्तान की टीम की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोइन अली और मोहम्मद इलियास काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। अगर पेशावर जालमी की बात की जाए तो पेशावर जालमी की तरफ से कामरान अकमल विकेटकीपर बैट्समैन और हसन अली कारगर सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारी सारी वीडियोस को इतने प्यार दीजिए और ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।